हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नेहाज क्लासेस में। मैं नेहा आपके लिए पार्ट वन में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी या फिर एक जो हमारे महान साइंटिस्ट थे उनके स्टोरी थी इस चैप्टर में। पूरी कहानी थी, कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टाइन, है ना। ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड में थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। हमने चैप्टर 11 तक पूरा डिस्कशन करा था उनका, मतलब कहाँ वो पढ़े, उनकी शादी किससे होने वाली थी, है ना। नाउ हमारा 10 तक कंप्लीट हो गया था, तो नाउ व्हेन वी स्टार्ट विद 11। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, तो एंड हैड टू सन्स, बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फेल्टर्ड। फेल्टर्ड का मीनिंग होता है बिकेम वीक। वीक मतलब कमज़ोर पड़ गई आगे जाके, वो जो उनकी वेडिंग थी, ठीक है। द पेयर फाइनली मैरिड इन, जो वो पेयर था उन्होंने 1903 में शादी कर ली थी और उनके दो बेटे हुए एंड हैड टू सन्स, एल्बर्ट के टू बेटे हुए, ठीक है। बट अ फ्यू ईयर लेटर, कुछ साल बाद उनकी जो शादी थी ना वो कमज़ोर पड़ गई, ठीक है। मिलेवा मीन वाइन वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउस वाइफ। मिलेवा इस दौरान अपनी जो वो अब घर में रहने लगी, तो जो उसने पढ़ा था वो सब खोने सा लगी, ठीक है। उसको लगा कि अब मैं सक्सेस नहीं हो पाऊँगी, मैं अपनी फैमिली में इतना बिजी हो गई हूँ, अपनी पूरी गृहस्थी में एक हाउसवाइफ, एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बनकर रह गई, ठीक है। मतलब अनहैप्पी मतलब जो खुश ना हो, ऐसी हाउसवाइफ बनकर मैं एक घर में ही रह गई। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डिवोर्स इन 1919। तो कुछ सालों बाद लगातार वो बहुत डेली मतलब लड़ते थे, तो अब उनका डिवोर्स फाइल हो गया, ठीक है, 1919 में। आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एल्जा द सेम ईयर। तो आइंस्टाइन ने फिर से दोबारा शादी कर ली अपनी कज़न एल्सा से, ठीक है। नाउ 12th, आइंस्टाइन न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसिडेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम। आइंस्टाइन का जो हमने पर्सनल पढ़ा, ठीक है, वो एक वर्ल्ड फेम था। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो 1951 में उसने पब्लिश की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। ही प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। अब ग्रेविटी के बारे में अब यहाँ से पता चला कि ग्रेविटी के बारे में कैसे खोज की उसने, ठीक है। वो बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहते थे, उनको स्कूल से निकाल दिया। मतलब इसमें ये बताया गया है, हम ज़रूरी नहीं है कोई भी बच्चा सब एक ही फील्ड में हो, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। कोई कुछ डॉक्टर बने, किसी ये होता है ना, कुछ बच्चे मैथ्स अच्छा करते हैं, कुछ साइंस अच्छा करते हैं, कुछ की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। ज़रूरी नहीं है हर बच्चे की साइंस ही अच्छी हो या हर बच्चा हर सब्जेक्ट में अच्छा हो, ठीक है। सबको जो चीज़ जैसे पसंद आ रही है ना वो वैसे ही करता है। नाउ सो हाँ, और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, मे बी हम फेल हो जाएँ तो आवर हमारी लाइफ वहीं ख़त्म हो जाती है। देखो, उसको खुद पढ़ना नहीं पसंद था, वो स्कूल से निकल गया, लेकिन उसकी एक उसने एक मतलब उसके माइंड ने एक ऐसी चीज़ को नोटिस कर लिया जिसने एक ग्रेविटी का खोज कर दिया। और आज भी अल्बर्ट आइंस्टाइन को कितना याद करते हैं ना, आज हमें ये पता चल गया है कि हमारे सरफेस पे क्या है, ग्रेविटी है, कैसे सारी चीज़ नीचे आ जाती हैं, है ना, ग्रेविटी के कारण वो अपने अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। सो एन इक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉथ प्रूव दैट इट वाज अ एक्यूरेट। तो 1919 में सोलर इक्लिप्स, सुना होगा ना, सोलर ग्रहण, सोलर ग्रहण ने बिल्कुल प्रूफ कर दिया। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट ऑफ विच द लाइट वाज फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेटेड थ्रू द सन्स। डिफ्लेटेड का मतलब है चेंज डायरेक्शन बिकॉज इट हिट समथिंग, ठीक है, चेंज डायरेक्शन बदल लेना, ठीक है। आइंस्टाइन ने पहले से ही सही गिनती कर ली थी,
ठीक है, आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड, पहले से उसने गिनती कर ली उसके प्रभाव का, जो स्थिर तारों का प्रकाश जो सूरज को गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र द्वारा विचलित कर दिया गया, मतलब उसने ये सब कुछ पहले ही नाप, उसको पता चल गया था कि 1919 में ना एक सूर्य ग्रहण पड़ेगा, उसने सबको बता दिया, ठीक है, 1990 में उसने एग्जैक्ट टाइम सब बता दिया, उस डे उस समय एक ग्रहण पड़ेगा सोलर इक्लिप्स, मतलब उसको साइंस, उसको बहुत विज्ञान हो गया, इन सब चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त हो गया, तो वो पहले ही बता देता था कि किस दिन कब सोलर इक्लिप्स पड़ेगा, तो उसने सबको बता दिया कि इस दिन सोलर इक्लिप्स होगा, और उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से बिल्कुल उसी दिन सोलर इक्लिप्स हुआ, ठीक है। नाउ द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिस्ट रेवोल्यूशन, तो अब इसके बाद से न्यूज़पेपर वाले ने उसके बारे में छापना स्टार्ट कर दिया, समाचार पत्रों ने उसके काम की घोषणा एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में की, मतलब एक बड़े साइंटिस्ट के रूप में उसकी घोषणा कर दी, ठीक है, उसने फर्स्ट टाइम बताया था ना सोलर इक्लिप्स, ग्रेविटेशन, इन सब के बारे में। नाउ नेक्स्ट 13th, आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921। अब आइंस्टाइन को 1921 में ना नोबल प्राइज़ दिया फिजिक्स में, ही वॉज शॉवर्ड विद हॉनर्स एंड इन्विटेशंस फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लाउडेड बाय द प्रेस, लोग उसका बहुत आदर करने लगे और पूरे संसार में उसका निमंत्रण मिलने लगा था, उसकी हर जगह प्रशंसा होती रहती थी, मतलब जगह जगह उसकी बात करते थे, भाई ये तो होता ही है अगर किसी ने, उनको नोबल प्राइजेस बहुत मिलने लगे, ठीक है। आप अब के टाइम में क्या मिलता है, भारत रत्न दिए जाते हैं ना, उस टाइम क्या था, भारत रत्न नहीं थे वगैरह नहीं थे, और तो उस टाइम इनको नोबल प्राइजेस मिलते थे उनकी कंट्री की तरफ से, ठीक है, तो उन्हें भी नोबल प्राइज़ मिला 1921 में फिज़िक्स में। Now 14th, when the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein immigrated to the United States. So 1933 में नाजी आ गए जर्मनी में और आइंस्टाइन चले गए अमेरिका में, 5 year later, मतलब 5 साल बाद the discovery of nuclear फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिस्ट इन एन अप्रोवर, ठीक है, जो न्यूक्लियस फिजन का की खोज की थी अमेरिका के जो साइंटिस्ट फिजिसिस्ट ने, वो एक उनके लिए एक अप्रोवर, मतलब एक परेशानी का टॉपिक विषय बन गई, ठीक है, इसकी खोज करने के बाद, ठीक है। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिम जस्ट एज आइंस्टाइन हैड नाउ, and now they were afraid the Nazis could build and use a atomic bomb बहुत खतरनाक बम है ना, ये तो आपको पता होगा। उनमें से कई फासीवाद से डर कर वो वहाँ से भाग गए, ठीक है, many of them had fled from fascism, वो वहाँ से भाग गए, just as Einstein had, उसी तरह छोड़ कर चले गए और जैसे आइंस्टाइन गए थे, ठीक है, जैसे आइंस्टाइन गए थे, and now they were afraid, वे अब डरे हुए थे, ठीक है, द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एटॉमिक बम, जो वो था ना नाजीज, उनको एटॉमिक बम बनाना आता था और यूज करना भी आता था, ठीक है। 15th, एट द अर्जिंग ऑफ कोलाग्यू आइंस्टाइन रोइट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, अमेरिकन प्रेसिडेंट कौन है, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, ऑन अगस्त 2, 1939, इन विच ही वॉन्ड, ठीक है, किसी उसके किसी कॉलेजेस, मतलब किसी साथी ने उसको, आइंस्टाइन को कहा कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ना उनको तुम चिट्ठी भेजो, ठीक है, तो वो 2 अगस्त 1939 को चिट्ठी लिखी उन्होंने, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी इस तरह का एक अकेला बम अगर एक, तो इसमें उन्होंने ना उनको
वॉन्ड किया, चेतावनी दी, ए सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय एंड वॉल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ सराउंडिंग टेरिटरी। तो उन्होंने चेतावनी दी, इस तरह का एक अकेला बम, दिस टाइप ऑफ सिंगल बम जो है ना, एक मतलब सब चीज़ को डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय क्या होता है, डिस या फिर अन, ऐसी चीज़ आ जाती है ना तो उसका मतलब होता है नहीं या फिर कुछ ख़राब करना, ठीक है। तो डिस्ट्रॉय द वॉल पार्ट ऑफ टुगेदर, हॉल पार्ट ऑफ टुगेदर, ठीक है, विथ सम ऑफ सराउंडिंग टेरिटरी। तो इस तरह का एक अकेला बम एक बदगाह में विस्फोट किया जाए तो यह सारे मतलब पूरी पूरे सराउंडिंग्स जो है ना के साथ साथ और भी उसके चारों ओर इलाके को एक साथ नष्ट कर देगा, कौन, एटॉमिक बम, ठीक है। फिर कहा है हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, उसके जो शब्दों का प्रभाव था ना वो नाकामयाब नहीं हुआ जो उसने वो लेटर में लिखा। द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बम इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट, सीक्रेट हो गया ना, गुप्त प्रोजेक्ट ऑफ हिज ओन। तो अमेरिका ने अपने इस बम का, एटॉमिक बम का गुप्त प्रयोजन में मतलब इसका यूज़ किया, एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और इसको दो जगह विस्फोट कर दिया, जापानीज सिटीज़ हैं ये, हिरोशिमा एंड नागासाकी में, इनको मतलब छोड़ दिया, फेंक दिया वही अगस्त में 1945 में, ठीक है। नाउ 16th, आइंस्टाइन वॉज डीपली शेक्ड बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो जो ये विनाश हुआ ना, डिस्ट्रॉय हुआ, उससे आइंस्टाइन को थोड़ा धक्का सा, डीपली शेक्ड धक्का सा लगा। दिस टाइम ही रॉट अ पब्लिक मिसीव टू द यूनाइटेड नेशन। उस टाइम ना उसने एक पब्लिक मिसीव, यूनाइटेड नेशन को एक पत्र लिखा, इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। इसमें इन्होंने संसार में सरकार का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया कि यहाँ पे सरकार का निर्माण हो, ठीक है। यस, अनलाइक द लेटर टू रोजवेल्ट, तो रोजवेल्ट को लिखे पत्र के विपरीत इस पत्र को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है, मतलब कोई वो नहीं था। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेट, परंतु अगले दशक में आइंस्टाइन, अब नेक्स्ट में दिखाएगी कि आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। अब वो पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हो गए, अगिटेटिंग, पहले तो वो साइंटिस्ट थे ना, अब वो पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हो गए, agitating for an end to the arms build up and using his popularity to campaign for peace and democracy, ठीक है, हथियारों को बनाने तथा उनको समाप्ति के बारे में अभियान चलाते हुए, वो अब एक अभियान चलाते हैं कि जो ये हथियार हैं उनको बनाना या फिर उनको समाप्ति चलाते हुए तथा अपनी लोकप्रियता की शांति की बहाली के लिए इस्तेमाल कर रहा था, ठीक है। When Einstein died in 1955 at the age of 76, जब 76 साल की उम्र में, सन 1955 में आइंस्टाइन की मृत्यु या आइंस्टाइन का देहांत हो गया, ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस हुई। तो एक दूरदर्शी तथा विश्व का नागरिक और प्रतिभावक वैज्ञानिक के रूप में उसे याद किया जाता है। तो कुछ वर्ड मीनिंग्स मैं अपनी तरफ से आपको दे रही हूँ। इंडिकेशन, मतलब इंडिकेशन का मतलब होता है इशारा करना, ठीक है, संकेत। बॉन्ड मतलब जन्म लेना। फ्रीक, कोई ऐसा मान्य है, जैसे वो उसकी मदर बोलती है ना ये फ्रीक है, मतलब नॉर्मल नहीं है, कुछ अलग ही है। कॉन्ट्रेरी, विपरीत किसी चीज़ के अगेंस्ट। ग्रेटनेस, महंता, महंता। यूटर्ड,
मतलब कुछ बोलना, ट्वाइस मतलब वो दो बार बोलते थे ना, ट्वाइस दो बार, उन्होंने 2.5 साल बाद बोलना सीखा, फिर वो ट्वाइस बोलने लगे। स्पेशली मतलब किसी विषय रूप से, मैकेनिकल मतलब कोई चीज़ जो मशीन के द्वारा चलती हो वो होगी मैकेनिकल। वरिड मतलब परेशान या चिंतित, मैं परेशान हूँ, मैं वरिड हूँ, कहते हैं ना वाई आर यू वरिड। नेक्स्ट इज स्किल, किसी चीज़ का स्किल निपुणता, जैसे मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, ठीक है, ऐसे। एमटर शोकिया मतलब मैंने अपने एमटर्ड के लिए एक साइकिल ली है, ऐसे, ठीक है, अपने शौक के लिए। चूज मतलब किसी चीज़ को चूज, सेलेक्ट या फिर चुनाव करना। स्टिफिड मतलब दम घुटना। क्लैश्ड मतलब फाइटिंग, झगड़ना। लाइब्रेरियन उदार। प्रोलोंग्ड मतलब लंबी। डिस्कशन मतलब विचार विमर्श करना, ठीक है। फिजिक्स भौतिक शास्त्री। यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। टेंडरनेस मतलब सॉफ्टनेस कोमलता। डिग्रीज उपाधियाँ, बहुत डिग्रीज है मेरे पास तो, है ना, बहुत सारी उपाधियाँ हैं। अफेक्शन प्यार या फिर कोई प्यार स्नेह। कॉन्क्लूजन निष्कर्म। एलाई मतलब मित्र दोस्त फ्रेंड। एटोर्स असहमत। अनएम्प्लॉयड बेरोजगार। जोकिंगली मजाक में। एब्सोल्यूट पूरी तरह। मास द्रव्यमान, ठीक है। अनरेवलिंग असफल होना, बोलते हैं ना अनरेवलिंग, ये तो रह गया, असफल हो गया। इंटेलिजेंस बहुत बुद्धिमान, ठीक है। पुट ऑफ स्थगित करना। मील वाइन उसी समय। कॉन्स्टेंट मतलब लगातार होना। एम्बिशन महत्वाकांक्षा। इंटेलेक्चुअल बौद्धिक। ग्रेविटी मतलब तो आपको पता है गुरुत्वा, ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण। शोवर्ड बोछार करना, ठीक है, किसी चीज़ की मतलब बोछार कर देना। प्रोक्लेम्ड दवा करना। इनविटेशन बुलावा निमंत्रण आमंत्रण, है ना। ड्रॉप्ड गिराए, कहते हैं ना ड्रॉप्ड। प्रोजेक्ट परियोजना। कलीग मतलब कोई साथी। टुगेदर साथ साथ। शेकन मतलब हिलाया फिर शेक किया। डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश, कुछ ख़राब हो गया हो। टुगेदर मतलब साथ साथ, शेकन वही हिलाया, ठीक है। पब्लिक सार्वजनिक डेमोक्रेसी मतलब प्रजा का जो तंत्र होता है, प्रजातंत्र। डिकेट दशक। मिसिव सरकारी पत्र, मिसिव होता है हमारा कोई गवर्नमेंट पत्र, मिसिव सरकारी पत्र। मिशनरी दूरदृष्टा। जीनियस विद्वान, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको विद एक्सरसाइज करा दूंगी, तो ऐसा करते हैं हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट, ओके। मैं थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट आपको पार्ट थर्ड में ज़रूर डाल दूंगी, ओके। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके। बाय गाइज, टेक केयर।